हाँ हाँ अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? आज तनवीर भाई की छत फैक्ट्री वाली वहाँ बैठे हुए थे, ये कुछ नए बच्चे रात लगाएं, अभी तकरीबन 8 बच्चे उड़ रहे हैं, 2 ये घर पे आ गए हैं और 6 काफ़ी ऊपर हैं। और आज बस लाइव आने का मकसद एक था कि काफ़ी लोग पेज पे फ़ोटो भेजते हैं पंजाब से और पूछते हैं कि ये कबूतर क्रॉस है, पट्टी वाला है, क्या है, तो ये यहाँ पर उड़ रहा है काबली कबूतरों में। अब खुदा जानता है उस कबूतर का बैकग्राउंड क्या है, लेकिन होलिये से वो कबूतर पट्टी वाला लगता है, जिसकी वजह से मुझे कहना पड़ता है कि भाई ऐसे कबूतर पट्टी वाले कराची में बहुत हैं। तो भाइयों, कहने का मकसद यही है कि आज से तकरीबन 5 से 6 महीने पहले उस्ताद बासित जो हमारे कराची के, उन्होंने एक तहरीक, एक मुहिम स्टार्ट की थी कि हलफ ना मंजूर, और वो तहरीक माशाल्लाह काफ़ी ज़ोर भी पकड़ गई थी और उन्होंने बड़ा काम किया इस तहरीक पे, काफ़ी लोगों ने साथ भी दिया, काफ़ी लोगों ने नारा भी बुलंद किया कि हलफ ना मंजूर, क्योंकि हर जगह क्रॉस ब्रीडिंग हो के और क्रॉस कबूतर उड़ रहे हैं। तो काफ़ी कबूतर जो हैं आज भी मेरे पेज पे लोग मुझे भेजते हैं, कहते हैं कि कबूतर 5 के बाद बैठा है, तो बिल्कुल सफ़ेद कबूतर है, जौनसरे कबूतर हैं, जो पाँव पे उनके बाल हैं, तो उनको मैं कैसे हाई फ्लायर कह दूँ? तो इसकी गहराई में जाना तो फजूल है, क्योंकि जो अच्छे खिलाड़ी हैं, शौकीन हैं, वो ये सब समझते हैं, लेकिन जो छोटा शौकीन है उसका हक मारा जाता है। और खुदारा सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे कबूतरों पे कम से कम हलफ ना उठाएं और झूठ ना बोलें, क्योंकि कब्र में आपके साथ सिर्फ आपके अमाल जाएंगे, या आपकी जीत हार और या आपके कबूतर, आपका स्टेटस रुतबा, ये नहीं जाएगा। तो आज ये बैठे हैं तनवीर भाई, सतार लाला, शेरली भाई और रफत भाई, तो मैं आपको चंद 2-3 कबूतरों का शौक करवाता हूँ, उनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के कबूतर पंजाब में हाई फ्लायर में उड़ाए जा रहे हैं। हमारे कराची में तो शौक होता है माशाल्लाह, इधर हलफ ना मंजूर बोल दिया गया। अभी मैं आपको अपने घर के यहाँ के कुछ कबूतर दिखाते हैं, जो हमने तो पट्टी वाले में उड़ाते हैं, लेकिन इनको अगर हम पंजाब भेजें और सियालकोटी कबूतर बोल के उड़ाया जाए तो ये वहाँ एक्सेबल होंगे सब। ये भाइयों, इस परिंदे का शौक करें और आप अपनी राय दें कि अगर ये मैं पंजाब में जाके इस कबूतर को हाई फ्लायर में उड़ाऊं तो क्या ये परिंदा वहाँ एक्सेप्ट होगा? क्या कोई शक कर सकता है कि ये कबूतर पट्टी वाला है? मैं इस परिंदे को आपको खुद शौक करवाता हूँ। ये रफत भाई, ये पकड़ना, आपका अपना भाई असद असलम अवान आपको शौक करवा रहा है। बस ये टॉपिक मुझे आज लगाना था, तो मैंने बोला कि काफ़ी लोग मैसेज करते हैं वो इस तरह के कबूतर, ये तो फिर भी हाई फ्लायर लग रहा है भाइयों, लेकिन वो ऐसे वाइट कबूतर भेज रहे हैं, मोमियाँ चोंच के, पाँव पे बाल हैं, कह रहे हैं यहाँ पर हाई फ्लायर में कबूतर उड़ा, क्या ये एक्सेप्ट है? तो उसे मैं देखते ही कहता हूँ यार, ये पट्टी वाला कबूतर है, आप लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो? और अभी तो माशाल्लाह ये क्रॉस ब्रीडिंग के हवाले से 8-9 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी छोटे शौकीन के लिए भी आ गए क्रॉस ब्रीडिंग क्या है और क्या नहीं है। अभी इस परिंदे के मैं आपको शौक करवाता हूँ, ये वीडियो जितनी हो सके शेयर करें, जितने पंजाब के बड़े उस्ताद हैं उनसे मेरा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये परिंदा क्या मैं पंजाब में आकर सियालकोटी परिंदा बना के उड़ा सकता हूँ या नहीं उड़ा सकता? क्या आपका पंजाब इस कबूतर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि पंजाब में ऐसे कबूतर कहीं उड़ रहे हैं, कहीं कबूतर उड़ रहे हैं। और जितने भी व्यूवर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे कराची के हैं, चाहे अंदरून सिंध के हैं,
उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने घर के पट्टी वाले परिंदे कमेंट में शो करवाएं जो लगते हाई फ्लायर हैं शक्ल सूरत से। अब इस परिंदे का आप शो करें। अगर मैं ऐसा सियालकोटी कबूतर गाऊँ तो कोई शक नहीं करेगा, लेकिन ये प्योर पट्टी वाला कबूतर है और इसके अभी भी दो बहन भाई सगे ऊपर 6 बच्चों में उड़ रहे हैं। वो जब अगर बैठ गए वीडियो के दौरान तो आपको शौक करवाऊंगा। आज वो बच्चे हमने तकरीबन 1 बजे उड़ाएं, अभी वो दो बहन भाई दो कली के इसके ऊपर हैं। ये 10 पर साफ हुआ है अभी, इसका शौक करें, इसकी आँख देखें। मैं आपको इसकी माँ भी दिखाऊंगा, ये उसका बेटा है। इस कबूतर के पर का शौक करें, प्योर काबली। रफत भाई ऐसे कबूतर वहाँ विनर बैठ रहे हैं भाई। अच्छा एक चीज़ और, पट्टी वाले पहले लोग पकड़ रहे थे कि वो नलीबन कबूतर थे, पाँव पे उनके बाल हैं। अब इस कबूतर के आप देखें, एक भी बाल नहीं है, पूरा पंजा देखें, नाखून भी देखें ज़रा काले, एक पाँव पे बाल नहीं है जहाँ से पकड़ा जाए, कुछ पकड़ नहीं है इसकी। और बंद होके उड़ते हैं, कहने को तो मैं सालकोटी कबूतर कह सकता हूँ लेकिन मुझे अपनी कब्र में जाना है। ये तो ये बहन भाई 4, 5, 6 बजे के बाद ही वहाँ खुलेंगे और सारे बैठेंगे टाइम से पहले, अगर इन पर मेहनत की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी में इस कबूतर के 4-5 बहन भाई हमारे पास हैं, उड़ेंगे इंशाल्लाह। उनके आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा। कुछ बहन भाई येलो आइज में और कुछ वाइट आइज में। ये वाइट आइज का एक बार फिर शोक करें, इसकी दुम का भी शोक करें। बिल्कुल परफेक्ट परिंदा है, चाहे हाई फ्लायर में इसको काउंट करो चाहे पट्टी वालों में, कोई इस कबूतर को कहीं से। रफत भाई आओ। अच्छा भाइयों, सिग्नल की वजह से वीडियो ड्रॉप हो गई थी। ये कबूतर बैठा हुआ, यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। अभी रफत भाई चाय पी रहे हैं, जब तक मैं आपको और परिंदे दिखाता हूँ, उन परिंदों का शौक करें, फिर इसकी माँ का भी शौक करवाता हूँ। जो भाई भी ये वीडियो देख रहा है, अपने घर का पट्टी वाला जोनसेरा जिसकी शक्लो सूरत काबलियों में हाई फ्लायर में मिलती है, वो कमेंट में शो करें ताकि वीडियो जहां तक जाए छोटे शौकीनों के इलम में आ सके और अपने इलाके में उड़ने वाले अच्छे परिंदों को, पट्टी वाले जो क्रास हैं उनको पकड़ सकें, उनकी निशानदेही कर सकें। और बासित भाई अगर ये वीडियो देख रहे हो तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने जो मुहिम चलाई थी हलफ ना मंजूर की, उसको दोबारा उस तहरीक को, उस मुहिम को चलाया जाए और आगे तक फैलाया जाए। रफत भाई चाय पी के आ जाओ। ये सतार लाला हमारे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये बहुत पुराने शौकीन हैं, समझो कि इनके सामने हम बच्चे बड़े हुए हैं। तो ये भी अभी बैठ के यही चीज़ें देख रहे थे कि यार ये पट्टी वाले कबूतर कैसे कैसे बन गए। और उस्ताद बासित ने अपनी छत पे एक परिंदे का शौक करवाया तो वो तो बिल्कुल रामपुरी टाइप का कबूतर था, जामनी पंजों का। तो भाई वैसे परिंदे कराची में भरे हुए हैं, अब पंजाब में भी भर चुके हैं। ये रफत भाई आ गए, अभी आपको ये परिंदा अंदर कर दें। अरे वो शेर नहीं पकड़ रहा, शाहीन। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि जोनसरे पट्टी वाले कैसे बन गए, तो भाइयों कि ये पट्टी वाले हैं तो आपको दिखा रहे हैं ना। तो रफा दो बच्चे बैठ रहे हैं, भाइयों हमें कोई झूठ बोलने का शौक नहीं है, ना हमारे घर कोई राशन डलवा रहा है, ना कोई पैसे दे रहा है। जो हक और सच की बात है वो इंशाल्लाह हम कहेंगे और कहते रहेंगे। रफत भाई शाहीन मादी पकड़ना। नहीं नहीं अभी आपको उस कबूतर की वालदा का शौक करवाते हैं, वालदा मोहतरमा, वो भी आप चेक करें, वो भी आप कहेंगे कि ये पट्टी वाली नहीं है। दिखाना पड़ सा, ये जो आपको जिस परिंदे का शौक करवाया था ये उसकी माँ है।
भाइयों शोक करें। देखो भाई आ गया ना, इस कबूतरी की आंख का पहले शोक करो। यहाँ क्लिक कर, बस 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 बस। ये वालदा है उसकी। अब इस कबूतरी के पर को शोक करें। ये पंजे। अच्छा भाइयों अब एक चीज देखें, इसके पाँव पे ये बाल आ रहे हैं, पाँव पे आप देखें, पट्टी वाला कहीं ना कहीं से पकड़ा जाता है, लेकिन इसके बच्चे के पाँव पे बाल नहीं आ रहे, क्योंकि इसका जो बाप है उसके पाँव पे बाल नहीं है। अब इसकी शक्ल सूरत आप लोग देख लें। अब इनसे अगर आप अपने घर कबूतर हो गए, गोल्डन हो गए, टेडी होंगे, क्रॉस करेंगे तो इंशाल्लाह सलारे कबूतर ही बनेंगे, सारे कबूतर बनेंगे, और उनकी वापसी इंशाल्लाह बड़ी पक्की होगी। जिन लोगों के हाई फ्लायर में शिकायत है कि हमारा परिंदा 4 बजे खुलता है, 5 बजे खुलता है, बैठता नहीं है, रात रह जाता है, उनकी शिकायतें दूर हो जाएंगी। यकीन नहीं आए तजुर्बा करके देख लें, इंशाल्लाह 5-6 तजुर्बों में एक तजुर्बा, एक जोड़ा ऐसा बैठ जाएगा आपके पास जो आपको नचा देगा इंशाल्लाह, जो आपका नाम बना देगा। ये पंजे, अब ये देखें, इसके पंजे वाइट भी हैं और काले भी हैं, लेकिन इसके बच्चे के पंजे बिल्कुल काले आए, नाखून। बस ये बड़ी कारीगरी है, साधु ने की हुई है, साधु ने। ये उस बच्चे का बाप है, इसका शोक करवा रहा हूँ। अब अगर मैं इसको लाल मोतियों वाला कबूतर कहूँ, सियालकोटी, उनसे मुशाबत रखता है, उनमें से कबूतर अक्सर निकल आते हैं। इसके आप ये कलर देखें, लाल दाग हैं। ये भी प्योर पट्टी वाला कबूतर है, इनके बच्चे पूरा पूरा दिन नीचे उड़ते हैं, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे माशाल्लाह इनके बच्चों की परवाज़ें। 5 बच्चे इसके कबूतर के हैं, इसके पंजों का शौक करें। भाइयों तनकीद करने के लिए वीडियो नहीं बनाई, बस ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि खुदा रहा उन कबूतर पर हलफ ना उठाएं, बस ये रिक्वेस्ट है, उन पर हलफ ना उठाएं, अपनी कब्र भारी नहीं करें, कबूतर क्लियर हलफ उठाएं, एक असूल बनाएं कि भाई परिंदा हो और इस असूल के मुताबिक उड़े, झूठ ना मिलाए कबूतर, बस अपना शौक करें, हलफ ना उठाएं, अपनी कब्र काली ना करें। और छोटे शौकीनों से रिक्वेस्ट है कि जहां परिंदा उड़ रहा है आपका, उसकी शक्ल व सूरत लाजमी देखें कि कैसे परिंदे उड़ रहे हैं, कैसे नहीं उड़ रहे। बकाया मुझसे पहले ही काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर बहस की है, मैं तो बहुत छोटा सा शौकीन हूँ, बस अपने व्यूज़, आजकल मेरे पैसे से कबूतर आ रहे हैं चीना, जिसकी वजह से मैंने बोला से वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक पर। अभी आपको मैं एक परिंदे का शौक करवाता हूँ, इसके बच्चे भी वाइट आंख के निकलते हैं, ये देखें। अब काफ़ी भाई बोलेंगे कि ये पट्टी वाला नहीं है, ये देखें सलारा कबूतर है, ये दो मेज कबूतर की, ये पंजे हैं, ये आंख है, जरचा। ऐसे कबूतर भी मैंने अपनी आंखों से हाई फ्लायर में ब्रीडिंग में देखे हैं, जिन्हें इंडिया वाले और वो बॉर्डर वाले उस नाम से मुशाबत दे के उड़ाए जाते हैं, और फोटो भी मेरे पास है एक भाई की, ऐसे कबूतर उनके मेन ब्रीडर हैं, उनसे कसूरी आंख भी उन्होंने बनाई हुई है, वाइट आंख भी बनाई हुई है, और टेडी कबूतर ही बनाया मैं, गोल्डन भी बनाया मैं तो वो फोटो देख के हैरान हो गया था, और कोई पूछने वाला भी नहीं है। अब ये कबूतर आपके सामने, इसके बच्चे आपको दिखाऊं, वाइट आंख, कल सरे, कल परे, कल दुमे, और वाइट आंख के आप देखोगे आप हैरान हो जाओगे कि इस कबूतर के बच्चे कैसे निकल रहे हैं, छपड़े बच्चे भी निकलते हैं, क्योंकि इसकी साथ जो मादी लगी हुई है, मैं आप उसका शौक भी करवाता हूँ। ये देखिए भाइयों, ये भी पट्टी वाली कबूतरी है, शौक करें। क्या ख्याल है आप भाइयों का, अगर इस कबूतरी का पर भी देखें, अगर इसके साथ मैं टेडी कबूतर लगाऊं, कमागर लगाऊं, इमामदीम लगाऊं,
तो एक किस तरह के बच्चे निकालेगी आपके ख्याल से, क्या तजुर्बा है आपका? कमेंट्स दें, कमेंट्स दें लाजमी। इसके बच्चे हमारे पास कली कली का बच्चा 12-12, 13-13 घंटे मैदान में उड़ रहा है छत पे। पुरानी वीडियो साहब मेरी देखें, इसके बच्चे का शौक भी करवाएं। इमरान बादल यूट्यूब चैनल है, उधर भी इसका बच्चा है, शौक करें वाइट आर्म का। ये जोड़ा सलारे बच्चे बना रहा तकरीबन, और हमने इनका नाम भी रखा हुआ है सलारे। ये पंजा है सही, दुम भी देख ले। बस भाइयों ये नहीं कहूंगा कि आप कबूतर क्रॉस नहीं करें, या आप लोग चोर काबली उड़ाएं, चीना। सिर्फ इतना कहूंगा हलफ नहीं उठाएं, बस अपनी कब्र भारी नहीं करें। चीना वाइट आंख वाला अच्छा, आपको एक परिंदे को और शौक करवाता हूँ, जो क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से अक्सर परिंदे जो ख़राब हो जाते हैं, ऐसे कबूतर भी क्रॉस ब्रीडिंग में निकल जाते हैं। ये देखें, ये काबली और पट्टी वालों के मेल से बना हुआ कबूतर है। ये कुंदा है इस कबूतर का, ये दुम है। कलर तो इसका बन गया है लेकिन इसकी आँखें नहीं बनी। ये क्रॉस ब्रीडिंग का ख़राब कबूतर है, लेकिन उड़ान इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। हमारे पट्टी वालों में चल रहा है, इसके बच्चे बहुत उड़ रहे हैं माशाल्लाह। इसकी आंख का शौक करें, मेली जर्रेदार इस कबूतर की आंख है। दूसरी आंख का शौक करें, दूसरी आंख में इसका फाल्ट आ गया, आधी आंख काली है आधी मेली है। बच्चे भी इसके लाजवाब उड़ रहे हैं। ये कुंदा इसका कबूतर, ये पंजा है, ये देख लो कबूतर तो बहुत है। आपको क्या दिखा है, सारे पट्टी वाले जोड़े हैं। बस एट द एंड यही कहूँगा कि अपनी कब्र भारी नहीं करें, हलफ ना उठाएं, और जो परिंदा उड़े वही परिंदा आप देखें। वो जो आपको मैंने रफत भाई बंद कर दो, शेर नहीं दिखाई थी उसके, कहा दो बहन भाई ऊपर हैं, दोनों कल पर हैं। ये देखें आगे पीछे उड़ रहे हैं। ये इंशाल्लाह मैदान क्लियर करके ही बैठेंगे, सारे बच्चे बैठेंगे तभी बहन भाई बैठेंगे। ये देखें छह रह गए थे, दो बैठ गए, दो ये रहे, और दोनों वो बहन भाई ये रहे। ये देखें कितनी हाइट पे हैं, दोनों कल से रहे, कल पर कल दो में। ये हमारी छत है, छत का भी शौक करें। चाय बन गई है, चाय पी रहे हैं। इंशाल्लाह पांचवें रोजे से कबूतर निकालने शुरू करेंगे यहाँ पर। गर्मी की तैयारी इंशाल्लाह इस बार अच्छी है। ये हमारे शरोली भाई बैठे हुए हैं, तनवीर भाई जो छत के मालिक हैं, सतार लाला। सतार लाला बहुत पुरानी शख्सियत हैं। सतार लाला एक बार सबको सलाम कह दें। अस्सलाम वालेकुम। ये चाचा हैं तनवीर भाई के, अब शौक से थोड़ा फ्री हो गए, तबलीग के काम में माशाल्लाह लग गए। ये हमारे रफत भाई, उसामा भाई, चाय पी रहा हूँ, सबर वीडियो एंड कर रहा हूँ। ये हमारा ब्रीडिंग सेटअप है भाई। आप कमेंट आज नहीं पढ़ पाया, वरना मैं वीडियो में हमेशा आप कमेंट्स पढ़ के जवाब देता हूँ। ये देख लें भाइयों, वो दो बच्चे भी ऊपर हो गए, और वो दो शेरनी शाहीन के कलपरे बच्चे वाइट आंख के, ये कली कली के बच्चे हैं। ये बैठे तो मैं आपको दिखाता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह कमेंट में एक परिंदा जो आज लाहौर में उड़ा है, मैं वो कमेंट पोस्ट करूंगा। उस परिंदे को आप देखो, लाहौर में एक उस्ताद के घर पे उड़ा है, और वो बंदा मेरे को मैसेज करके पूछ रहा है कि भाई ये देखें, ये आ गया कलपरा वाला बच्चा जो मैं कह रहा था, फिर निकल गया।
कल सिरा कल परा कल लुमा वाइट आंख के बच्चे हैं ये माशाल्लाह। आपको रहेंगे ये गिरदोनवा के मनाजिर हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है। मेरे बहुत ही प्यारे साबका उस्ताद, जहाँ से मैंने कबूतरबाजी स्टार्ट की, उस्ताद फजल खान, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। क्या कराची की एक बहुत नामवर शख्सियत, बहुत ग्रेट इंसान, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक, जिनसे मेरा बहुत प्यार है। ये देखे भाई, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो वाइट बच्चे हैं ये बैठ जाएंगे, लेकिन वो दो जो